वन विभाग की महत्वपूर्ण एकीकृत विकास परियोजना पर जिला मुख्यालय नाहन में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया है। कार्यशाला की अध्यक्षता स्थानीय विधायक राजीव बिंदल ने की है। हालांकि कार्यशाला में जिला सिरमौर के नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों को परियोजना की जानकारी भी दी गई। वह मीडिया से बात करते हुए स्थानीय विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि प्रदेश में IDP प्रोजेक्ट यानी एकीकृत विकास परियोजना एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, जिसके तहत 700 करोड़ रुपए सिरमौर जिला में व्यय होना है। हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा चलाए जाने वाले IDP प्रोजेक्ट, एकीकृत प्रोजेक्ट जो कि वन विभाग का प्रोजेक्ट है, उसकी वर्कशॉप आज नाहन के अंदर बचत भवन में आयोजित की जा रही है। और ये प्रोजेक्ट अत्यंत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, जिसमें लगभग 700 करोड़ रुपया व्यय होने वाला है। और इसका लक्ष्य है पूरी तरह से बूंद बूंद वर्षा को भूमि के अंदर समा करके हमारे प्रदेश की ग्रीनरी को बढ़ाना, किसान को मदद करना, मॉइस्चर को बढ़ाना, पानी को इकट्ठा करना और भूमि के बहाव को रोकना। इस दिशा में सिरमौर जिला के अंदर सभी स्थानों के ऊपर कुछ कुछ पंचायतों का चयन करके और उसमें ये प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है। आज ये पहली वर्कशॉप नाहन में है, इसके बाद 3 या 4 स्थानों के ऊपर और वर्कशॉप्स आयोजित की जाएंगी।